देखिए, ये एक इंटरिम बजट है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते कि बहुत पॉलिसी अनाउंसमेंट हो। पर एक उम्मीद जो रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी टाइम से लगा के बैठा है कि किस तरीके से मिडिल क्लास की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ाई जाए, तो उसकी तरफ आई थिंक कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एक कदम जो हम सुन रहे हैं कि शायद स्लैब बढ़ जाए, जो इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ जाएंगे। दूसरा, हमें लगता है कि जो आज के टाइम में इंटरेस्ट होम लोन के जो इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिलता है, वो आज के टाइम में 2 लाख पे कैप है, उसको बढ़ाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना भी फंड पिछले साल उन्होंने मुहैया कराया था, उससे मेरी उम्मीद है कि इस बार उसको कम से कम डबल करना पड़ेगा, जिससे जो आम इंसान है वो उस होम लोन सब्सिडी का बेनिफिट उठा सके और ज़्यादा लोग घर ले सकें। दूसरी बात, अगर आप GST का स्लैब कम कर रहे हैं तो जो इनपुट क्रेडिट है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, अदरवाइज़ अफोर्डेबल हाउसिंग पे ये सीधी सीधी मार होगी, जिससे वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे जो आम इंसान की पहुंच से बाहर होंगे। इस साल बजट से उम्मीद यही है कि टैक्स की रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। टैक्स की रैशनलाइजेशन में यह है कि हर एक की एक्सपेक्टेशन होती है एज एन इंडिविजुअल लेवल कि उनकी इंडिविजुअल लिमिट बढ़ जाए, और जो भी इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लेता है और हाउसिंग लोन पे उसको डिडक्शन पे एक कम्फर्ट मिलता है, एक रिबेट मिलती है, उस डिडक्शन की रिबेट की वॉल्यूम बढ़ जानी चाहिए। इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये विचाराधीन हो कि एक TDS डिडक्ट होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़, वो 50 लाख की लिमिट है, उसको अगर बढ़ा दी जाए। वैसे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको अबॉलिश कर देनी चाहिए, बिकॉज वो TDS डिडक्ट करना है एक इंडिविजुअल में, जो कभी भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको डिडक्ट करके जमा कराना होता है, उसके लिए बहुत ये TDS प्रोसेस है। और इसको किसी तरह से कोई और अल्टरनेट आ जाए या इसकी लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ कर दी जाए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेयर करनी चाहिए ताकि फ्लो ऑफ मनी शुड कम इन टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बिकॉज रियल एस्टेट इंडस्ट्री गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन एज वेल एज द फीडिंग ग्राउंड फॉर बहुत सारी इंडस्ट्रीज। बड़ी सारी इंडस्ट्री रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई है और उसी से चलती हैं। अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लिक्विडिटी आती है तो पूरी इकोनॉमी में लिक्विडिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, इजाफा होगा। अब उसके लिए जो जो भी मेजर्स गवर्नमेंट इस बजट में लेके आएगी वो वेलकम है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे।